गुड आफ्टरनून एवरीवन, आज मैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में मैं टाइम एंड टेंस पढ़ा रहा हूं और इसके पिछले वाले क्लास में मैं आप लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था और पास्ट परफेक्ट टेंस में रूल नंबर वन पढ़ा चुका हूं, आज मैं सेकेंड रूल्स पढ़ाऊंगा। इसलिए आप लोग पहले पीछे वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद में ये देखिएगा तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं ये आज जो रूल्स पढ़ाने जा रहा हूँ सेकेंड रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इससे हमेशा आप लोग को एग्जाम्स में आता है। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि मैं और अच्छे से अच्छे आप लोगों को वीडियो दे सकूं। चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड रूल्स। देखिए मैं आप लोगों को वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे आप लोगों को एग्जाम्स में पूछता है ना, और ये जो भी मैं एग्जांपल दिया हूं ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं आप लोगों को पहले बेसिक्स पढ़ा करके फिर मैं इसके ऊपर ट्रिक बता दूंगा, उसके बाद में आप आराम से बना सकते हैं। देखिए मैं आप लोग को रूल्स क्या लिखा है कि अगर किसी कंडीशनल के बाद नाउन या प्रोनाउन के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आया है तो सेंटेंस या सेंटेंस की शुरुआत हैड से हुई है तो दोनों स्थिति में सेंटेंस के दूसरे पार्ट में आए नाउन या प्रोनाउन के साथ वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव का यूज किया जाएगा। देखिए अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत कंडीशनल से हो रहा है और उस कंडीशनल के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है तो सेंटेंस के अगले पार्ट में जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसके साथ वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव का यूज किया जाएगा। या अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हैड से हो रहा है तब पर भी सेंटेंस के अगले पार्ट में जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके साथ वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव का प्रयोग करते हैं। यही मैंने आप लोग को रूल्स लिखवाया है और इस रूल्स के ऊपर मैं आप लोग को थ्री टाइप्स यानी कि तीन टाइप्स से आप लोगों को क्वेश्चन दे चुका हूँ। पहले मैं ये क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा। देखिएगा आराम से आप बना दीजिएगा, अगर आपको रूल्स भी नहीं याद है तब पर भी आप इस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन से। देखिए मैं कंडीशनल के बारे में आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि कंडीशनल होता क्या है, क्योंकि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी पढ़ा और हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कंडीशनल के बारे में, और वही कंडीशनल का जिक्र आप लोगों का पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हुआ है। तो देखिए मैंने क्या लिखवाया है कि अगर किसी कंडीशनल के बाद नाउन या प्रोनाउन के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है तो कंडीशनल के साथ नाउन या प्रोनाउन के साथ पास्ट परफेक्ट बोले तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का तीसरा रूप, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है तो सेंटेंस के अगले पार्ट में जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसके साथ वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव का प्रयोग होगा। तो देखिए एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेंटेंस है और एक दूसरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेंटेंस है। तो देखिए अगला पार्ट में यानी कि जो भी फर्स्ट पार्ट है कंडीशनल के साथ पास्ट परफेक्ट होगा तो उधर वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव का होगा। तो देखिए इधर वुड हैव का प्रयोग हुआ है लेकिन यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, नहीं किया गया है, इसलिए गलत है। तो कौन सा पार्ट में गलती है? ए पार्ट में गलती है। क्या गलती है जी? तो यहां पर वुड हैव का प्रयोग नहीं होगा। क्या चीज का प्रयोग होगा? यहां पर हम लोग हैड का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अब देखिए कंडीशनल के बाद नाउन या प्रोनाउन के साथ हैड का प्रयोग किया गया यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है तो सेंटेंस के अगले पार्ट में नाउन या प्रोनाउन के साथ वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव का प्रयोग किया गया है। तो देखिए ये फॉलो कर गया कब? जब इसको हम लोगों ने हैड में चेंज कर दिया तब, यानी कि अगर इसके साथ पास्ट परफेक्ट होगा तो उधर वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव का प्रयोग होगा। तो ये तो हम लोगों ने रूल्स पढ़ा, ठीक है ना, ये तो मैंने क्या पढ़ा, रूल्स पढ़ा और रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसके ऊपर ट्रिक भी बताऊंगा, बस तुरंत आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ। यानी कि पहले आप लोग सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर मैंने एक चीज और भी लिखवाया था कि या सेंटेंस की शुरुआत हैड से हो रही है तो भी, तो वैसी स्थिति में भी हम लोग सेंटेंस के अगले पार्ट में जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसके साथ वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव का प्रयोग होगा। यानी कि देखिए अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी भी यानी कि सेंटेंस में एक्जुली वर्ब को बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव हो जाता है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हैड से हो रहा है तब पर भी उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडीशनल वर्ड बोलते हैं। तो देखिए कब हम लोग जानेंगे कि ये कंडीशनल वर्ड है? तो देखिएगा अगर हैड से सेंटेंस की शुरुआत है, अगर यहाँ पर आपका कोमा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी? कोमा। अगर यहाँ पर आपका प्रश्न का चिन्ह नहीं दिया हुआ है और दो सेंटेंस दिया हुआ है तो समझिए कि ये सेंटेंस
टेंस क्या है, कंडीशनल है। एक बात ये याद रखिएगा, अगर हैड से स्टार्ट है, अगर यहाँ पर प्रश्न का चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो ये सेंटेंस क्या है, कंडीशनल है। या अगर ये सेंटेंस हैड से स्टार्ट है, अगर अगला पार्ट में उड़ैप कूढ़ माइटअप का प्रयोग किया गया तो समझिएगा कि यह क्या है, कंडीशनल है। वैसे स्थिति में आप लोग अगर यहाँ पर हैड है तो इधर क्या होना चाहिए, उड़ैप। अगर यहाँ पर उड़ैप है तो इधर क्या होना चाहिए, हैड का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो सेंटेंस क्या है, सही है, अदरवाइज क्या है, गलत है। तो देखिए, हैड भी निकाल दिए तब पर भी क्या हो गया, कंडीशनल हो गया, कंडीशनल हो गया। जैसे कह रहा है कि हाई डू मीट मी अर्लियर, अगर आप मुझसे पहले मिले होते तो आई वुड हैव सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया होता। शर्त है, अगर आप मुझसे पहले मिले होते तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया होता। तो यहाँ पर ये क्या है, शर्त हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, अगर किसी सेंटेंस के एक्जुलरी वर्ब निकाल दिए तब पर भी क्या हो गया, कंडीशनल हो गया। तो अगला पार्ट में उड़ैप कूढ़ैप का वर्ड प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। अब तो ये चीज़ तो हम लोगों ने क्या पढ़ा जी, रूल से परे। अब हम लोग चलते हैं ट्रिक से। देखिए, अगर आपको कुछ नहीं पता है, अगर आपको कुछ रूल्स नहीं पता है तब कैसे बनाएंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कंडीशनल से स्टार्टिंग है, अगर कंडीशनल वर्ड सेंटेंस में दिया गया है, अगर दो सेंटेंस दिया हुआ है, अगर दोनों तरफ देखिए उड हैव का प्रयोग किया गया है, दोनों तरफ उड हैव का प्रयोग किया गया था, समझिए कि 100% ये क्या है, गलत है, 100% गलत है। क्योंकि उड हैव आया हुआ है तो समझिए कि एक तरफ क्या होगा, हैड होगा। तो अब यह सवाल कि हम लोग कहाँ हैड लगाएंगे, तो जो भी कंडीशनल वाले सेंटेंस होगा उसमें का उड हैव काट दीजिएगा और वहाँ पर हैड का प्रयोग कर दीजिएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर हैड रहेगा तब ये उधर उड़ैव रहेगा, अगर उड़ैव रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हैड रहेगा। तो आपको कोई रूल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर दो सेंटेंस है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दोनों सेंटेंस में विल या शैल का प्रयोग किया गया तो वहाँ पर क्या था, गलत था, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था। उसी के जैसा अगर दो सेंटेंस दिया हुआ है, अगर दोनों तरफ उड़ैव कूढ़ैव माई टाइप का प्रयोग किया गया तो समझिए कि सेंटेंस क्या है, गलत है। तो अब यह सवाल कि गलत कहा है, तो जो भी कंडीशनल वाला वर्ड होगा उसमें का उड हैव काट दीजिएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपको रूल्स भी नहीं याद है तब पर भी आप बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को हर यानी कि प्रोसेस के साथ आप लोगों को ट्रिक भी बता रहा हूं, यानी कि आपको कंसेप्ट भी दे रहा हूं और ट्रिक भी दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छा ट्रिक दे सकूं। चलिए हम लोग चलते हैं यहां पर। देखिए, आप लोग यहाँ पर ये दो टाइप क्वेश्चन कर लिए, अब देखिए थ्री टाइप्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ वी हैड हैड विराट इन आवर टीम वी वुड ऑन द मैच। अब देखिए यहाँ पर ये जो टाइप दिया हो, थर्ड टाइप दिया हो, इसमें क्या होता है, अधिकतर गलत कर देते हैं हम लोग, देखते देखते गलत कर देते हैं। ठीक है ना, आपको दिमाग में आएगा कि ये तो ब्लंडर मिस्टेक हुआ है, यानी कि अब सीधा जानिएगा एकदम बहुत बड़ा गलती हो गया है ना। तो क्योंकि आप देखिए कि एक सेंटेंस दिया हुआ है और दो 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 जगह हैड हैड का प्रयोग किया गया है, तो आप तो देखते देखते यहीं पर मार दीजिएगा कि ये पार्ट में एरर है, देखते देखते आप यहीं पर मार दीजिएगा कि ये पार्ट में एरर है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको पिछले क्लास में बताया था कि देखो हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। हैज हैव का भर्व का तीसरा रूप क्या होता है, हैड होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हैड है, ठीक है ना, यहाँ पर जो हैड है ये आपका एक्जुलरी वर्ब नहीं है, ये भर्व का तीसरा रूप है, या क्या है जी, भर्व का तीसरा रूप है। देखिए एग्जाम्स में इसी तरह आपका ये प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन करके दे देता है, ताकि आप गलत करके आ जाइए। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आप 100% सही करके आइएगा, थोड़ा सा भी गलती नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप बार बार वीडियो को देखिएगा तब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इफ वी हैड हैड विराट इन आवर टीम वी वुड ऑन द मैच। अब देखिए यहाँ पर, जैसे हम लोग बोलते हैं आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, इट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि मेरे पास कलम है, मैं कलम रखता हूँ, यही ना होता है। यानी कि हैज हैव का मतलब क्या होता है, रखना होता है, और हैज हैव भी क्या है, वर्ब की तरह काम करता है ना। तो यहाँ पर देखिए हैज हैव जब वर्ब की तरह काम करता है तो उसका तीसरा रूप भी तो होना चाहिए, तो हैज हैव का तीसरा रूप क्या होता है, हैड होता है। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर भी वो कहानी है, वर्ब का काम कैसे कराए, देखिए कराए कि इफ वी हैड हैड
नॉट इन आवर टीम। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग अपने टीम में विराट को रखे होते वी वुड ऑन द मैच, यानी कि हम लोग मैच जीत जाते। कब? जब हम लोग को टीम में विराट होता तो हम लोग मैच क्या हो जाते, जीत जाते। शर्त अगर विराट को रखे होते। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, हेड क्या है, वर्ब का तीसरा रूप। तो अब देखिए, अगर मैंने अभी रूल्स लिखवाया था कि या रूल्स बताया था कि अगर किसी कंडीशनल के बाद नाउन या प्रोनाउन के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है तो सेंटेंस के अगले पार्ट में वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है लेकिन अगला पार्ट में वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव का प्रयोग होना चाहिए। और यहाँ पर वुड लिखा हुआ है लेकिन हैव का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि गलत है। तो यहां पर क्या गलती है, सी पार्ट में गलती है, क्या होगा, वुड के साथ आपका हैव का प्रयोग कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए यहां पर ये भी आपको पता चल गया। अगर इस टाइप से हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो आराम से हम लोग, ठीक है, एग्जाम्स को, एग्जाम्स में हम लोग प्रॉब्लम्स ला सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस टाइप से पढ़िएगा आपको एग्जाम्स में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल। चलिए हम लोग रूल नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। जिस तरह से आप लोग को मैंने बताया था ना कि सेकेंड रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आप लोग का थर्ड और फोर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप से आपको इस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन हमेशा आया है और आता है। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है और ये जो टेंस मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से वीडियो के देखिए। देखिए रूल नंबर थर्ड क्या कर रहा है कि अगर नो सुनर के बाद, अगर नो सुनर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है तो इसके पूरक देन के बाद सिंपल पास्ट होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर नो सुनर आया हुआ है तो देखिएगा इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक देन आया है कि नहीं। अगर किसी सेंटेंस में नो सुनर आया हुआ है, अगर देन नहीं आया है तो समझ जाइए कि सेंटेंस क्या है, गलत है। अगर नो सुनर आया है, अगर उधर देन आया हुआ है तो देख लेना है देन के बाद सिंपल पास्ट है कि नहीं। अगर है तो सेंटेंस सही है, अदरवाइज सेंटेंस क्या है, गलत है। अगर देन के बाद सिंपल पास्ट आया तो देख लेना है नो सुनर के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है कि नहीं। अगर ऐसा है तो सेंटेंस सही है, अदरवाइज सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत वीवीआई रूल्स है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से देखिए। और आपसे इस तरह से क्वेश्चन हमेशा आता है। देखिए मैंने लिखा कि नो सुनर हैड, ऑलरेडी ये प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नो सुनर हैड ही सी द डायरेक्टर व्हेन ही रश आउट द क्लास। अब देखिए नो सुनर के बाद हैड लगा हुआ है, हैड लगा हुआ है ना। अगर नो सुनर के बाद हैड लगा हुआ है यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है तो इसके पूरक क्या होना चाहिए, इसका पूरक क्या होना चाहिए, आपका देन होना चाहिए। और यहां पर अगर देन दिया हुआ है, एक सेकेंड, यहां पर सी नहीं, यहां पर सीन होगा। अगर देन दिया हुआ है तो सेंटेंस क्या है, सही है, अदरवाइज सेंटेंस क्या है, गलत है। तो देखिए नो सुनर दिया हुआ है लेकिन यहां पर क्या लगाया हुआ है, वेन लगाया हुआ है। क्या लगाया है जी, वेन। तो यानी कि ये सेंटेंस क्या है, यहां पर क्या होना चाहिए, देन का प्रयोग होना चाहिए। अगर देन का प्रयोग रहता तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। तो याद रखिएगा नो सुनर के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस, देखिए हैड लगा हुआ है और वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ है यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसके पूरक देन होता है। और यहाँ पर एग्जाम में हमेशा देता है वेन या बिफोर लगा करके, तो इसके पूरक देन के बाद क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट। जैसे यहाँ पर देन कीजिएगा तो देखिए इधर आपका सिंपल पास्ट हो गया, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को इसको बार बार देखिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप देखते देखते जैसे मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ ऐसे आप भी बता सकते हैं, किसी को आप भी बना सकते हैं, ठीक है, आराम से आप कर सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। देखिए रूल नंबर फोर चलते हैं। रूल नंबर फोर में कह रहा है कि अगर कोई सेंटेंस, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका हुआ है। अगर कोई सेंटेंस हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बियरली, देखिए हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बियरली, सबका मतलब क्या होता है, मुश्किल से। सबका मतलब क्या होता है, मुश्किल से। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बियरली, ईटीसी से अगर शुरुआत हो रहा है तो जो भी सेंटेंस इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा और इसके पूरक
यानी कि इसका हार्डली स्कार्सली वेयरली का पूरक क्या होता है, वेन या बिफोर। इसके पूरक वेन या बिफोर के बाद क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि हार्डली स्कार्सली के साथ अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है तो इसके पूरक वेन या बिफोर के साथ क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पास्ट परफेक्ट हुआ तो इसका पूरक क्या होता, देन था, और इसका पूरक क्या होता है, वेन या बिफोर। एग्जाम में हमेशा उल्टा करके देता है, यहाँ पर वेन लगा हुआ है तो यहाँ सॉरी यहाँ पर देन लगा होना चाहिए तो यहाँ पर लगा देता है वेन, अगर यहाँ पर आपका लगाना चाहिए वेन या बिफोर तो यहाँ पर लगा देता है देन। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हार्डली हैड ही रीच्ड हिज हाउस, ठीक है, देन गेस्ट डिपार्टेड। अब देखिए हार्डली है, ठीक है ना, हार्डली के बाद पांच परफेक्ट तो यूज किया गया है, पांच परफेक्ट यूज किया गया है, लेकिन इसका पूरक क्या होता है जी, वेन या बिफोर होता है, और यहाँ पर लगाया है देन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा जी, सी पार्ट में। यहाँ पर क्या होना चाहिए, वेन लगाइए या बिफोर लगाइए, ये अगर दोनों में से कोई रहता तो सेंटेंस क्या हो जाता है, सही, अदरवाइज क्या है, गलत है। इसलिए आप लोग इस तरह से देखिएगा ये बार बार वीडियो, तो आप लोगों के दिमाग में क्या हो जाएगा, ये अच्छी तरह से बढ़ जाएगा, उसके बाद आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये कंपटीशन, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और ये आपका एजुकेशन का चैनल है, और कोई मनोरंजन का तो चैनल है नहीं कि हाँ थोड़ा सा भगा भगा करके या स्किप करके हम लोग देख ले। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, कहीं भी डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए, मेरे नंबर पर कॉल कीजिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। चलिए आज बन यहीं तक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।